हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमने अपने डे को किस तरह से स्पेंड किया। डियर डायरी, अ गुड डे अनफोल्ड्स लाइक अ सरेन ब्रीज, रेजोनेट्स विद पॉजिटिव वाइब्स एंड इज सीजन्ड विद द डिलाइटफुल फ्लेवर्स ऑफ गुड फूड। कुछ दिनों से मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ा क्लाउडी रह रहा है, कभी थोड़ा हल्का सा सन। तो अभी सुबह सुबह हम आए हैं टेरेस पे थोड़ा वॉक करने। हमें कुछ ग्रोसरी की ज़रूरत थी तो मैंने सुबह 7 बजे का ही शेड्यूल किया था बिग बास्केट में। तो अभी हमारा ग्रोसरी आ गया है, तो चलिए देखिए हमने क्या क्या खरीदा है। इनके जो हाइड्रोपोनिकली ग्रोन जो वेजिटेबल्स हैं ना, वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इस बार हमने हमारे लिए मंगाया है लेटस एंड बुक चॉय, कुछ नूडल्स फॉर आवर इंस्टेंट भूख, के ब्रांड के कसूरी मेथी हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। हमने पहली बार धनिया पत्ता इनसे मंगाया है एंड ये काफ़ी फ्रेश आया था। कुछ ऐसे ही वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, अनियन, टमाटो, इस तरह से हमने कुछ और मंगाए हैं। बहुत टाइम से हमें किनोआ ट्राई करना था एज अ ब्रेकफास्ट एंड फॉर हेल्दी मील्स, तो हमने इस बार मंगाया है। नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमने इस बार मंगाया है उडोन नूडल्स, तो आज हम इसे लंच में बनाएंगे एंड हमारे ओपिनियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड अभी आज मैं बना रही हूँ उत्थपम फॉर ब्रेकफास्ट। कोई भी चीज़ अच्छे से फ्लिप तो होती नहीं है, सब बिगड़ जाती है। तो देखते हैं आज मैं उत्थपम को अच्छे से फ्लिप कर पाती हूँ या नहीं। वाओ, आई डिड अ ग्रेट जॉब, क्लैप तो बनता है ना। बहुत मजाक हो गया, अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। जब बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाता है एंड उसमें जब हम टमाटो डाल के बनाते हैं, उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम से रॉ सनफ्लावर सीड घर पे पड़ा था, तो मैं सोची कि चलो आज अच्छा वेदर भी है तो इसे अच्छे से रोस्ट करके रख लेते हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम भी था, तो अभी मैं इसे फ़िलहाल रोस्ट कर दूंगी। रोस्ट करने के बाद हल्का सा सॉल्ट डाल के इसे मैं कंटेनर में स्टोर कर लूँगी, ताकि कभी भी भूख लगे, कभी मन हो तो हम खा सकें इसे। अभी मैं बनाऊंगी मसाला कैश्यू नट। तो पहले सबसे पहले मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी एंड देन उसके बाद मैं हल्के से ऑयल में इसे कैश्यू को डालूंगी, देन थोड़ा सॉल्ट एंड थोड़ा पेपर उसके साथ अच्छे से मिक्स करके इसे भी स्टोर करके मैं रख दूँगी। जब भी मन करे हम इसे खा सकते हैं। बाहर जब इतना अच्छा वेदर हो तब घर पे बैठने का मन तो होता नहीं है। तो अभी अराउंड कुछ 10 बज रहे थे, तो हम सोचे कि चलो फिर से टेरेस पे जाते हैं, अच्छी अच्छी हवा खाते हैं। हमने जो कपड़े रखे थे ना, वो भी सूख चुके थे, तो हम उसे भी जाते टाइम लेते हुए जाएंगे एंड देन उसके बाद हम लंच की प्रिपरेशन करेंगे। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले उडोन नूडल्स को हम बॉईल कर लेंगे। इसे बॉईल करने में मुझे अराउंड 10-15 मिनट्स लगा। लेटस के साथ खाने के लिए मैं ये बोनलेस चिकन को थोड़ा अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला डाल के कर सकते हैं, तो अभी मैं उसी की पहले प्रिपरेशन कर लेती हूँ। नूडल्स के लिए अभी हम सबसे पहले वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है शैलट्स, जूलियंस ऑफ कैरेट एंड बुक चॉय। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन डू सपोर्ट अस। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड पीनट बटर। नूडल्स डाल के अच्छे से इसमें सोया सॉस डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो ये नूडल्स लिया था ना, ये 150 ग्राम का था, तो ये दोनों के लिए हमारे सफिशियंट ही था। आप तो देख ही रहे हैं क्वांटिटी एंड टेस्ट में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड साथ में चिकन विथ लेटस, दैट वाज ऑसम। पूरे टाइम आज रूम में बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी कुछ 4 बज रहे हैं, तो अभी हम फिर से जा रहे हैं टेरेस पे।
हम टेरेस पे आ ही गए हैं तो हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या प्लांट्स लगे हुए हैं। भले ही सन ना हो बट स्टिल वेदर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर काफी सारे चिलीज के प्लांट भी है, देखिए। जब भी मौसम अच्छा होता है मुझे तो कुछ अच्छा सा सॉन्ग गाने का मन होता है। फिलहाल तो मुझे ये वाला सॉन्ग याद आ रहा है बाय टेलर स्विफ्ट, व्हिच इज कॉल्ड सेफ एंड साउंड। I remember you said don't leave me here alone, but all that's dead and gone and passed to night. Just close your eyes, the sun is going down, you'll be alright, no one can hurt you now. Come morning light, you and I'll be safe and sound. सिटी के बीच चारों तरफ ग्रीन प्लांट देखने को मिल जाए तो वो काफी अच्छा ही लगता है। ऐसे वेदर में बस मन करता है यहाँ पर घंटों भर बस बैठे ही रहे, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। क्या आपको भी ऐसे ही फील होता है ऐसे वेदर में? आपको ऐसे वेदर में क्या करना अच्छा लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पर घंटों बैठ के काफ़ी पीसफुल फील हो रहा है। आज जबकि वेदर काफ़ी अच्छा है तो हम सोच रहे थे कि शाम को थोड़ा बाहर निकले कुछ खाने पीने के लिए। बहुत देर हो गई, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, अभी तो शाम भी हो गई है। अभी जाते हैं हम रेडी होके फिर बाहर निकलेंगे। ऐसे वेदर में गर्मा गर्म कुछ ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हम दोनों बहन ने यहाँ से लिए हैं 2 समोसे। इस प्लेस में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, हमें 2 समोसे लेने में ही काफ़ी लेट हो गया। यहाँ पर था तो बहुत कुछ बट आज मन समोसे खाने का था तो हमने वही ही लिया है बस। हम ये और एक प्लेस में आए हैं जहाँ पर बन रहा था शवरमा रोल, तो हमने बस एक ही रोल लिया था बिकॉज आज हमारा लंच काफ़ी हैवी हो गया था, तो अभी शाम को ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था तो हमने बस शेयर कर लिया। यहाँ से निकल के बस हम और एक लास्ट प्लेस में जाएंगे। हमने यहाँ से बस लिया चिली पटेटो एंड हम उसे पार्सल करके घर ले आए। आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे। Heartfelt thank you for joining us on our journey. Your support means the world to us. We appreciate each one of you for being a part of our journey. Stay tuned for more delightful and amazing content, and let's continue creating wonderful memories together. Don't forget to spread the joy by liking, sharing, and subscribing. Hit the bell icon so you never miss out any fun.